सिर्फ गाने सुनने के लिए अगर कोई आपको 800 रुपए घंटा, 1000 रुपए घंटा पे करने लगे तो कितना अमेजिंग रहेगा? क्या ऐसा हो सकता है? और अगर होता है तो कैसे होता है, और नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है? उस चीज के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल पैसा वैसा से। अगर आपको मेकिंग मनी ऑनलाइन रिलेटेड रियल वीडियोस में, बिना स्कैम वाले वीडियोस में इतना सा भी इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब कर लेना अभी के अभी, और लाइक कर देना इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो को जो टारगेट है वो है सिर्फ और सिर्फ 500 लाइक्स का। अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे फॉलो नहीं करा है तो कर लीजिए, आपको जो यूजर नेम है वो अभी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो की। आप गाने सुनते हुए 800 रुपए, 1000 रुपए, मतलब कि लगभग $10, $20, $25 घंटे का गाने सुनते हुए कैसे कमा सकते हैं? क्या सच है ये? अगर सच है तो कितना सच है? इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, जहां पे मैं आपको रियलिटी भी शेयर करने वाला हूं कि एक्चुअली में क्या होता है उन दावों के साथ में। तो सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा वो है, क्या ये स्कैम है? नहीं, ये स्कैम नहीं है। दूसरा सवाल, हाउ मच कैन यू टिपिकली अर्न? आपको मिलता है 10 सेंट 30 सेकंड का, या फिर $1 पूरे गाने का, या फिर 3 रिव्यू लिखने के लिए $1, यानी कि अलग अलग वेबसाइट का अलग अलग पे करने का तरीका होता है। अगला सवाल, हाउ डू यू अर्न मनी, मतलब आप पैसा कैसे कमाओगे गाना सुनते हुए, मतलब वो कंपनी आपको पैसा पे क्यों कर रही है? तो सिंपल सी बात है, देखो होता क्या है, कभी भी कोई गाना आता है तो उनको रिव्यूज की जरूरत होती है, उनको फीडबैक की जरूरत होती है, उनको प्रमोशंस की जरूरत होती है, उनको लिसनर्स की जरूरत होती है, तो इसी वजह से वो लोग आपको पे करते हैं। कुछ लोग आपको रिव्यू लिखने के लिए पैसा देते हैं, तो आपको एक छोटा सा रिव्यू लिखना पड़ता है पूरा गाना सुनने के बाद में कि आपको कैसा लगा एज ए यूजर, एज ए लिसनर। उसके बाद में अगर मान लीजिए अगर कोई ऐसा गाना है जहां पे वो उन्होंने रिलीज नहीं किया है पर उनको फिर भी फीडबैक चाहिए, तो आपको उसके लिए पैसे दिए जाते हैं। वहीं पे कई बार ये होता है कि उनको सिर्फ लिसनर चाहिए होते हैं गाना सुनने के लिए, तो वो गाना सुनवाने के लिए पैसा देते हैं, जो काफी कम होता है नॉर्मली। तो ये हो गए कुछ तरीके जिससे पे किया जाता है। और काफी केसेस में ये भी होता है कि गाने के बीच में एक ऐड होता है, तो वो आपको ऐड सुनवाने के लिए उस गाने का यूज करते हैं, तो आपको वो ऐड भी सुनाई देता है और कहीं ना कहीं उनका वो प्रमोशन हो जाता है। तो ये डेफिनेटली एक यूनिक तरीका है और स्कैम बिल्कुल भी नहीं है। और मैं यहाँ पे इस वीडियो में मेंशन की हुई किसी भी वेबसाइट के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि ऑल ऑफ देम आर नॉट डूइंग स्कैम्स। जो बातें जो रियलिटी में आपके सामने लेके आऊंगा वो जरूर आपको जाननी चाहिए। जो काफी वेबसाइट्स के साथ में प्रॉब्लम है तो वो आपको जरूर जानना चाहिए। उसके बाद में टॉप वेबसाइट ऐसी कौन सी हैं जो आपको गाने सुनने के लिए पैसा देती हैं? तो आपके पास में है जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं वो है म्यूजिक एक्सरे, हिट प्रिडिक्टर, स्लाइस द पाई, रेडियो रॉयल्टी, research.fm, फ्यूजन कैश। ये आपको सभी नाम स्क्रीन पे भी नजर आ रहे हैं। तो ये हैं सारे नाम जो काफी पॉपुलर हैं, जो आपको गाना सुनने के लिए पैसा देते हैं। अब हम बात करेंगे रियलिटी की, क्योंकि ये तो बात हो गई वो जो ये लोग प्रोमिसेस करते हैं, वो सभी चीज़ें होती है ऐसी चीज़ें जो ऑलरेडी आपको किसी भी आर्टिकल से मिल जाएगी। पर क्योंकि हम यहाँ पे रियलिटी की बातें ज़्यादा करते हैं, क्योंकि एक्चुअली में जो चीज़ होनी चाहिए वो डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रियलिटी नंबर वन, ये बहुत ही बड़े बड़े फेक कमिटमेंट्स करते हैं मोस्ट ऑफ दीज वेबसाइट्स। बोलते हैं कि आपको एक गाने का $10, $15, $20, $25 मिल जाता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये सबसे बड़ी रियलिटी है आपके लिए जानने के लिए कि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हायर अमाउंट आप ये मत सोच लीजिए कि आपको भी इतना पैसा मिल जाएगा। ये किसी को भी इतना पैसा नहीं मिलता, ये सिर्फ और सिर्फ एंटाइज करने के लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको अट्रैक्ट करने के लिए होता है, ताकि आप वहां पे जाते हैं, रजिस्टर करते हैं एंड द वर्क इज डन। दूसरी रियलिटी, इनका जो मिनिमम पे आउट होता है वो नॉर्मली काफी हाई होता है, जो होता है $10 या $20। मुझे आज तक लॉजिक समझ में नहीं आता इस मिनिमम पे आउट का, पर इतना हाई पे आउट होता है। तो उसके लिए जो तीसरी रियलिटी है वो लिंक्ड जरूर है। तो नॉर्मली क्या होता है कि आपके पास में इनफ काम अवेलेबल नहीं होता है इन वेबसाइट्स पर। जब आप रजिस्टर करते हैं, जब आप स्टार्ट करते हैं इनिशियली, तो स्टार्टिंग में आपको कुछ काम देखने को मिल जाता है, तो आपको हो पाती कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ। पर कुछ डॉलर कमाने के बाद में आप जब अपने पे आउट तक नहीं पहुंचते हैं, तो आपको रियलाइज होता है कि इनके पास तो काम ही अवेलेबल नहीं है। अगर काम अवेलेबल नहीं है तो आप अपने पे आउट तक नहीं पहुंच पाएंगे, और पे आउट तक नहीं पहुंच पाएंगे तो आप पैसा नहीं निकाल पाएंगे। तो इनका जो फ्री काम निकालने का जो तरीका है मोस्ट ऑफ दीज वेबसाइट्स का, वो पूरा हो जाता है वहां पर। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी रियलिटी है, जो हम लोग ये सोचते हैं कि हमने पहले दिन $5 कमा लिया पर अभी तक आपने मिनिमम पे आउट पे रीच नहीं करा है। प्रिटी श्योर 99.99% केसेस में लोग पहुंच भी नहीं पाते हैं उस पे आउट तक। यहाँ पे चौथी रियलिटी के बारे में भी बात करना चाहूंगा। जब मैं बात कर रहा हूँ, मान लो उन केसेस में जहाँ पे कुछ लोग पे आउट को क्रॉस कर लेते हैं और अपनी मनी को विड्रॉ करने के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं, एज पर माई ऑनलाइन रिसर्च मैंने काफ़ी लोगों के रिव्यूज पढ़े हैं और मैंने ये चीज़ देखी है कि मैक्सिमम लोगों को उस पे आउट में काफ़ी प्रॉब्लम हुई है।
मतलब वेबसाइट पे उन्होंने दिखा दिया कि भाई हमने आपको पैसा पे कर दिया है, पर इन रियलिटी उनको पैसा नहीं आया है, उसके बाद में वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं और किसी कारण से वो यूज़र का अकाउंट टर्मिनेट कर देते हैं ताकि उसके बाद में आगे कुछ बचा ही नहीं करने के लिए। उसी के साथ साथ एक और चीज़ होती है, वो ये होती है कि इनकी नॉर्मली 3 महीने में एक बार पेमेंट करने की जो पॉलिसी होती है, मोस्ट ऑफ दीज वेबसाइट्स दे फॉलो दैट। अब वो चीज़ करने के लिए कई बार क्या होता है कि काफ़ी लोग तो मिस कर देते हैं, काफ़ी लोगों के अकाउंट टर्मिनेट हो जाते हैं, काफ़ी लोगों का ये दिखाता है कि आपने जो उस महीने में जो रिव्यू किया था वो एक्चुअली में सही नहीं था, उसमें क्वालिटी ख़राब थी, तो वो उस चीज़ को रिजेक्ट कर देते हैं, आपका जो मिनिमम पे आउट से अमाउंट नीचे आ जाता है, आपको पेमेंट नहीं होता है। ये सभी चीज़ें, ये सभी जो एक्चुअली में एक्सक्यूजेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और सबसे बड़ी रियलिटी कि अगर आप दिन और रात काम करके इस पर्टिकुलर चीज़ में, अगर काम भी अवेलेबल होता है, तो आप कितना पैसा कमा सकते हैं। मैंने काफ़ी कोशिश करी कि मुझे रियल लोग मिल जाएं जो इन वेबसाइट्स के ऊपर काम करते हैं और एक्चुअली में सक्सेसफुली काफ़ी पैसा कमा रहे हैं। 2 लोग ऐसे मिले जो इन वेबसाइट्स के ऊपर काम कर रहे हैं काफ़ी सालों से, और उनमें से एक जो इंसान है वो मैक्सिमम, मतलब वो दिन में 8 से 10 घंटे इसी चीज़ के ऊपर काम करता है, उसने मेंशन किया, क्योंकि ही लव्स डूइंग इट। उसको नए नए गाने सुनने का काफ़ी शौक है, इस वजह से वो करता है। तो उन्होंने मुझे मेंशन किया कि वो पूरे महीने का 8 से 10 घंटे दिन में काम करने के बाद में लगभग $40-$50 महीने का कमाता है। और वहीं पर दूसरे इंसान ने बोला कि उसने लगभग 3 से 4 घंटे डेली स्पेंड करें कुछ महीनों तक, एंड ही यूज टू अर्न अराउंड $10-$12 एवरी मंथ, जो कि लगभग हो गया कितना, 700-800 रुपए पूरे महीने का। तो मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से ये काम वर्थ है, और ये पैसा तब आएगा जब काम अवेलेबल होगा। तो मेरा सजेशन तो पर्सनली ये रहेगा कि डू नॉट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक एंड मेकिंग मनी ऑनलाइन, नहीं होने वाला है। उससे अच्छा तो हम डालेंगे एफर्ट्स अपने रियल काम में। जो 3 सीरीज हमारी स्टार्ट होने वाली है, ब्लॉगिंग की, ड्रॉप शिपिंग की, एफिलिएट मार्केटिंग की, इन तीनों में से कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। फाइवर की सीरीज ऑलरेडी हो चुकी है, उसके ऊपर फोकस करेंगे। देर आर अ लॉट ऑफ रियल वर्क टू डू ताकि हम रियल पैसा कमा पाएंगे, ना कि अपना टाइम वेस्ट करेंगे फॉर समथिंग जहां पे या तो पैसा नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो इतना जिससे आपका फोन का बिल, इंटरनेट का बिल, या फिर बिजली का बिल भी पे नहीं होने वाला है। तो उन कामों को हम इग्नोर करेंगे। तो मैं आशा करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ टेक जरूर मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, और जाने के पहले सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जिंदगी में पैसा वैसा बहुत आएगा मेरे दोस्त, उसके लिए आपको मेरा साथ जरूरी, उस साथ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, तो वो कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।